फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं अपडेट्स के बारे में, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। एंड उसके साथ साथ कितने मार्क्स से सिलेक्शन होता है, पीजीए में कितने से होता है, प्राइवेट में कितने से होता है, सेमी गवर्नमेंट में कितने से होता है, बीएससी नर्सिंग में कितने मार्क्स से होता है, उसके साथ साथ पैरामेडिकल में कितने मार्क्स से सिलेक्शन होता है, ये बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये जो वीडियो होने वाली वो लाइव प्रूफ के साथ होने वाली है। दिखाऊंगी तुम्हें कि एक्चुअल कट ऑफ जो होती है यही जाती है, एंड एक्चुअल इतने ही मार्क्स से सिलेक्शन होता है पैरामेडिकल के लिए, एवरी कोर्स के लिए रिगार्डिंग होने वाली। इसके साथ साथ बीएससी नर्सिंग के सभी कॉलेजेस के रिगार्डिंग होने वाली है। सब कुछ कवर करने वाले हैं, जो कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में किसी भी कॉलेज में तुम सिलेक्शन लेना चाहो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। इसके साथ साथ लाइव प्रूफ भी दिखाने वाले हैं, उसके साथ साथ बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, निकल चुके हैं या नहीं निकल चुके हैं। तो वीडियो को तुम्हें लास्ट तक देख लेना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ अपडेट देना चाहती हूँ, वो ये है कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का जिन्होंने फील किया था, बीएससी एग्रीकल्चर का जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम जो देना है, 24 को जो एंट्रेंस एग्जाम होना है उसके रिगार्डिंग है कि जो एडमिट कार्ड जो आना था वो एडमिट कार्ड आज आने वाला है। एंड जो एडमिट कार्ड एंट्रेंस एग्जाम का अवेलेबल हो जाएगा, मतलब कि कैंडिडेट पोर्टल पे आज अवेलेबल होने वाला है, तो इसके बारे में तुम्हें चेक कर लेना है। एंड तुम्हें कैसे चेक कर लेना है, तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट हो जाना है, दैट इज hiu.ac.in। उसमें आने के बाद तुम्हें कैंडिडेट लॉगिन करना है। अभी तक तो एडमिट कार्ड आया नहीं है, बट अभी जो एडमिट कार्ड जो 2 बजे आना था, ओप्सो 1-2 मिनट 3-4 मिनट में आज जो है एडमिट कार्ड 100% रिलीज होने वाला है। तो तुम्हें एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। एंड कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है वो भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने तुम्हें बताया है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर लॉगिन हो जाना है। उसके बाद तुम्हें क्या कर लेना है वो तुम देख लो यहाँ पे। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे कैंडिडेट लॉग नहीं, उसके बाद तुम्हें डेस्कटॉप साइट खोलना होगा। अगर तुम डेस्कटॉप साइट नहीं खोलोगे तो ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा। तो डेस्कटॉप साइट खोलने के बाद ऑनलाइन अप्लीकेशन एंड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे तुम्हें डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है। एंड यहाँ पे एज पर एडमिट कार्ड अभी तक आया नहीं है तो तुम्हें सलेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे जैसे पोस्ट ग्रेजुएट है, यहाँ पे यूजी आने वाला है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट आने वाला है, तो वो तुम्हें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद तुम्हें सेलेक्ट करना है सेकंड वाले ऑप्शन से। सेकंड वाला जब ऑप्शन फर्स्ट वाले ऑप्शन में जब तुम सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे तुम्हें बीएससी एग्रीकल्चर 4-ईयर प्रोग्राम का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर तुम्हें सेलेक्ट कर लेना है। देन तुम्हें कैंडिडेट लॉगिन कर देना है। उसके बाद तुम्हें जाके अपनी जो यूज़र नेम पासवर्ड फिल करने हैं, तुम्हारा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने तुम्हें दे दी। अभी हम बात करने वाले बीएससी नर्सिंग मतलब कॉमन एंड पैरामेडिकल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करने वाले कि स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं। एंड इसके साथ साथ मैं बात करने वाली हूँ कि एंड अप कहाँ से होते हैं, मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम तुम्हें कितने मार्क्स लाने हैं, सब कुछ यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो तुम्हें वीडियो को लास्ट तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बारे में देखेंगे, ठीक है। लिस्ट ऑफ जो कैंडिडेट्स होंगी जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सेलेक्ट हो चुके होंगे, लाइव प्रूफ के साथ तुम्हें दिखाने वाली हूँ। तो एज पर मतलब कि कल सॉरी प्रीवियस ईयर जो एंट्रेंस एग्जाम था वो अगस्त में कंडक्ट हो गया था, तो नवंबर में काउंसलिंग इसकी हो रही थी। एंड नवंबर में जो काउंसलिंग हो रही थी तो उसके लिए मैं बता दूं कि कितनी यहाँ पे सब फर्स्ट ऑफ ऑल बीपीटी के बारे में बात कर लेते हैं। बीपीटी की कितनी गई थी कट ऑफ, मतलब पैरामेडिकल की कट ऑफ के बारे में बता दूँ, फिजियोथेरेपी की कट ऑफ के बारे में बता दूँ तुम्हें, वो बता देती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी गई थी। तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ जो स्टार्टिंग थी ओपन कैटेगरी के बारे में बात करूँ तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे बताने वाली हूँ, बिकॉज अगर डिले होगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, बट तुम्हें स्क्रीन पे देखते चलना। तो ओपन कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर की, बिल्कुल एज इट इज़ यही कट ऑफ गई थी, 119 से स्टार्ट होकर लास्ट कट ऑफ गई थी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की 100। मैं तुम्हें बता दूँ कि यहाँ पे 3 राउंड्स होते हैं, मतलब फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड तो मस्ट होता है, एंड अगर फिर भी सीट्स बच जाती हैं तो मॉप अप राउंड लास्ट में कंडक्ट कराया जाता है। तो ऑलमोस्ट 3 राउंड तो मान के चल सकते हो। तो फर्स्ट राउंड में 100 तक यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था जनरल कैटेगरी का। एससी के बारे में बात करूँ तो
लास्ट 73 तक, 86 से लेके 73 तक कट ऑफ यहाँ पे गई थी। BCA की कट ऑफ 99 से लेके 88 तक गई थी एंड BCB की 97 से लेके 84 तक गई थी PGI की। अगर मैं बात करूँ जो दूसरा कॉलेज है अपना करनाल के बारे में, DDO करनाल के बारे में, तो इसकी जो कट ऑफ गई थी वो 99 से लेके यहाँ पे लास्ट गई थी 93 तक। ठीक है, 93 तक यहाँ पे सिलेक्शन हुए थे जनरल कैटेगरी में। ऐसी में बात करूँ तो 71 तक सिलेक्शन हुए थे 71 मार्क्स तक। BCA में बात करूं तो तुम्हें 82 मार्क्स तक यहां पे सिलेक्शन हुए थे। अभी काफी कैंडिडेट्स पूछेंगे कि मार्क्स कितने में से लाने हैं, तो 180 में से तुम्हें मार्क्स स्कोर करने हैं। एंड BCB में सिलेक्शन हुए थे लास्ट 74 तक। तो ये हमने देख लिया BPT की, मतलब BPT की जो दो गवर्नमेंट कॉलेज हैं अपने BPT के, एक तो PGI है एंड सेकंड जो BPT का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो DDU करनाल है। तो दोनों की जो कट ऑफ थी हमने देख ली। अभी हम बात करने वाले हैं नर्सिंग की कितनी कट ऑफ गई थी, मतलब BSc नर्सिंग की कट ऑफ के बारे में देखेंगे। ठीक है, BSc नर्सिंग की तीन गवर्नमेंट कॉलेजेस हमारे, फर्स्ट इज PGIMS जो रोहतक में है, DDU करनाल, ठीक है, सेकंड करनाल में है एंड गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज सफीदो थर्ड। ठीक है, इन तीनों के अभी कट ऑफ के बारे में जानने वाले हैं। तो ओपन कैटेगरी की कट ऑफ सबसे पहले PGI की देख लेते हैं। तो PGI की 139 मतलब हाईएस्ट मार्क्स से कट ऑफ स्टार्ट होके इसकी जो लास्ट कट ऑफ गई थी वो 109 गई थी, 109 वाले मार्क्स का सिलेक्शन होगा। एंड इस बार भी ये इतनी ही जाने वाली है एज इट इज, बिकॉज 3-4 ईयर से इतनी ही कट ऑफ जा रही है, 1-2 मार्क्स कम या 1-2 मार्क्स ज्यादा। ठीक है, अगर तुम्हारे 1-2 मार्क्स कम होगा तो तुम्हें सेकेंड काउंसलिंग में आराम से मिल जाएगा। तो ये हमने देख लिया PGI की जो कट ऑफ गई थी ओपन कैटेगरी की। ठीक है, 109-108 तक जाती है। SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 102 से शुरू होकर 81 मार्क्स तक PGI की कट ऑफ जाती है SC कैटेगरी की। BCA के बारे में बात करूँ तो 107 से लेके 107 मार्क्स से लेके 89 मार्क्स तक यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। एंड BCB की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट 84 मार्क्स तक यहाँ पे लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ है। तो मतलब तुम देख सकते हो कितने मार्क्स तक जा रही है। अगर मैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग DDU करनाल के बारे में बात करूँ तो BSc नर्सिंग की जो कट ऑफ गई थी वो स्टार्ट हो 102 तक गई थी। ठीक है, इसकी कट ऑफ जो होगी स्टार्ट होगी जैसे ये PGI की कट ऑफ स्टॉप होगी, ऐसे ही करनाल की कट ऑफ स्टार्ट होगी, मतलब 108 से स्टार्ट होके 102 तक इसकी जो कट ऑफ थी वो गई थी। SC कैटेगरी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 79 तक कट ऑफ गई थी करनाल की। ठीक है, करनाल में जो भी SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे जिनके 79 मार्क्स थे उनका सिलेक्शन हो गया था। तुम देख पा रहे होगे कि जनरल वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। BCA की अगर मैं बात करूँ तो 100 से लेके 88 तक कट ऑफ गई थी एंड BCB की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लास्ट 82 तक कट ऑफ गई थी। थर्ड अपना जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बारे में, तो इसकी कट ऑफ जो है लास्ट गई थी 99। ठीक है, 99, 98, 97 तक भी सिलेक्शन हो जाता है। तो लास्ट इसकी कट ऑफ 97 गई थी। एंड SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 72 कट ऑफ गई थी, जो अपना थर्ड कॉलेज है उसकी SC कैटेगरी की कट ऑफ 72 गई थी। अगर मैं BCA के बारे में बात करूँ तो 85 तक यहाँ पे कट ऑफ जो है गई थी। एंड BCB के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 77 तक इसकी कट ऑफ गई थी, 180 में से तुम्हें 77 मार्क्स लाने थे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया अभी नर्सिंग के लिए जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस थे उनके लिए। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं पैरामेडिकल के बारे में। पैरामेडिकल की PGI की कट ऑफ कितनी गई थी वो तुम्हें बताने वाली हूँ, जितना भी पैरामेडिकल के डिफरेंट कोर्सेज हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ। एंड मैं तुम्हें बता दूँ कि अभी तक हम फर्स्ट काउंसलिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सेकेंड एंड मॉपअप के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो से तुम्हें आइडिया आने वाला है कि कहाँ तक तुम्हें सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं, कितने मार्क्स तुम्हें सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो ओपन कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो BSc रेडियोग्राफी की कोर्स के अकॉर्डिंग होता है, कोर्स कौन सा तुम लेना चाहते हो तो BSc रेडियोग्राफी की हाईएस्ट जाती है जैसे कि तुम्हें पता होगा। तो लास्ट इसकी जो कटे मतलब 105 गई थी यहाँ पे। एंड BSc जो OT की तुम यहाँ पे कंप्लीट सी डिस्ट्रीब्यूशन देख पा रहे होगे ओपन कैटेगरी में, मतलब 11 कैंडिडेट्स लिए गए थे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में 96 तक, जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनमें 96 तक यहाँ पे गया था, मतलब
हाईएस्ट मार्क्स से स्टार्ट होके, हाईएस्ट मार्क्स को वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनके पास तो चॉइस होती है, तो हाईएस्ट से स्टार्ट होके 96 तक फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में यहाँ पे पीजीआई में ये पैरामेडिकल की कट ऑफ गई थी। एससी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 111 से स्टार्ट होके 75 तक गई थी, एंड बीसीए के बारे में बात करूँ तो 83 तक गई थी, एंड बीसीबी के बारे में बात करूँ मैं तो 73 तक यहाँ पे कट ऑफ गई है। एंड अब बात करें सेमी गवर्नमेंट जो कॉलेज है अग्रोवा के बारे में, एमएएमसी अग्रोवा के बारे में, तो इसकी जो कट ऑफ थी वो मैं तुम्हें बता दूं कि इसमें तुम्हें मार्क्स लेने, सॉरी इसमें तुम्हें सिलेक्शन लेने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो इसकी जो लास्ट कट ऑफ गई थी ओपन कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 88 गई थी। पैरामेडिकल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, बीएससी नर्सिंग की नहीं कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग की थोड़ी सी ज़्यादा जाती है वो भी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, तो 88 इसकी कट ऑफ गई थी। एंड अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 70 तक इसकी कट ऑफ गई थी बीएससी से स्टार्ट होकर, एंड बीसीए के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 81 तक इसकी कट ऑफ गई थी, एंड बीसीबी की 74 तक कट ऑफ गई थी पैरामेडिकल कोर्सेज की एमएएमसी अग्रोवा की। भी होने की वजह से मैं तुम्हें सेकंड और थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग की कट ऑफ नहीं दिखा पाई, बट तुमने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की जो कट ऑफ थी वो तुमने देख ली, एंड उससे 2-3 मार्क्स तुम कम लगा के चलना उतने ही मार्क्स से सिलेक्शन होता है। लेट सपोज मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अपना लास्ट सफीदों में हमारा थर्ड जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें हमारा बीएससी नर्सिंग की फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की लास्ट कट ऑफ गई थी 99, तो यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है लास्ट 96-95 तक, ठीक है, एंड 94 तक, यहाँ तक सिलेक्शन होने वाला है, तो लास्ट कट ऑफ तुम बीएससी नर्सिंग की 94 तुम मान सकते हो, यहाँ तक कट ऑफ जाने वाली है। तो ऑलमोस्ट मैंने तुम्हें सभी कट ऑफ कवर करा दिया। अभी अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में तो पीजीआई के जो एप्लीकेशन फॉर्म है अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं, एंड होप सो इसी मंथ में रिलीज होने वाले हैं 100%, तो इसके रिगार्डिंग तुम्हें पैनिक नहीं होना है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे हम तुम्हें नोटिफाई कर देंगे। एंड अभी तक यूनिवर्सिटी जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं कर रही है, हमें पता है कि तुम्हें इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं हो रही है, हम भी इसी काम में लगे हुए हैं कि जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म तुम्हें रिलीज हो तो हम तुम्हें अपडेट दे देंगे। बाकी जो पीजीआई है बहुत ज़्यादा लेट कर रहा है इस बार, एंड आगे जाके तुम्हारे जो फर्स्ट ईयर का जो मतलब जो कम्प्लीट ईयर होता है, मतलब क्या इफेक्ट होता है, अगर हमारा लेट जो एंट्रेंस एग्जाम तो तुम्हारा होना है, बट जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे सिलेक्शन होगा उनका फर्स्ट ईयर जो होगा वो शॉर्ट हो जाएगा। मतलब लेट सपोज क्या होता है कि मैनी टाइम्स अगर कॉलेज जो टाइम से अगर एडमिशन नहीं लेते हैं, तो अगर हमारा एडमिशन होता है लेट्स सपोज तुम्हारा दिसंबर में एडमिशन होता है काउंसलिंग वगैरह होके, तुम्हारा अक्टूबर में निकल जाता है काउंसलिंग वगैरह होके, तुम दिसंबर में जाते हो, तो तुम्हारा क्या होने वाला है, जो तुम्हारा फर्स्ट ईयर जो कंप्लीट वन ईयर का था वो शॉर्ट हो जाएगा, अप टू 8 मंथ ही हो जाएगा, जनवरी से स्टार्ट हो गए तुम्हारा, अगस्त में पेपर्स हो जाएंगे, तो तुम्हारा जो फर्स्ट ईयर होगा वो शॉर्ट हो जाएगा। तो ये साइड इफेक्ट है इस चीज़ का कि तुम्हारे एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं, बट एप्लीकेशन फॉर्म तो रिलीज होने वाले ही हैं, एंड अक्टूबर से ज़्यादा वो लेट नहीं कर सकते। सो एंट्रेंस एग्जाम जब भी के लिए जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं तुम्हें अपडेट दे दूंगी, एंड उसके लिए तुम्हें नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।